बीरमपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर लखनऊ बनारस राज्य मार्ग से केवल 2 किलोमीटर हटकर है। बीरमपुर जो कम साक्षरता जनपद गोसाईगंज में पड़ता है, यहाँ की आबादी के 60% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। दिहाड़ी पर काम करने वाले निर्धन नागरिक को अक्षर ज्ञान प्राप्त करने का समय नहीं है, वो तो 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही जीवन बिता देता है। पिंजरे में बंद उस पक्षी की तरह जो खुला आकाश और स्वच्छंद उड़ान नहीं जानता। परंतु इन हालात में भी साक्षरता स्वयंसेवक देश के गांव-गांव में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की योजनाओं के अंतर्गत निरक्षर नागरिकों को साक्षर बनाने का चुनौती भरा काम कर रहे हैं। हाशिए पर पड़े इस गांव में साक्षरता अभियान ने अपनी पकड़ बनाई और स्वयं सेवकों में से एक सशक्त माध्यम बनी बीरमपुर की घूंघट में रहने वाली श्रीमती संगीता। संगीता के पति श्री राम सिंह ग्राम प्रधान थे और उनके कार्यकाल के बाद वर्ष 2004 में संगीता ग्राम प्रधान चुन ली गई। वो सीधी सादी गृहिणी थी जो प्रधान बनने पर भी चूल्हा चौका और घूंघट नहीं भूली थी। जब राज्य संसाधन केंद्र के कार्यकर्ता संगीता से सतत शिक्षा केंद्र खोलने के लिए मिलने गए तो उसने उनसे बात तक ना की। प्रधान जी नमस्कार। हम भारत सरकार द्वारा संचालित राज्य संसाधन केंद्र से आए हैं, आपके गांव में एक सतत शिक्षा केंद्र खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप थोड़ा हमको सहयोग दें, ये पंचायत घर का एक कमरा दें और गांव के लोगों को जोड़ें जो हमारे सतत शिक्षा केंद्र पर पढ़ने आए। कह दियो आदमी से बात कर लें। आप प्रधान हैं तो हम लोग आपके पास आए हैं बात करने। कह ना दियो आदमी से बात कर लें। चलो चलते हैं बात कर लेते हैं। चलो अच्छा नमस्कार। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। कार्यकर्ता अपनी फरियाद संगीता के पति श्री राम सिंह के पास ले गए। और भैया क्या हाल है? ठीक है सर, बढ़िया है। एक सतत शिक्षा केंद्र खोला गया है उसके संबंध में आए थे। कल प्रधान इनसे बातचीत हुई थी। अच्छा। कि भाई आप मोहल्ले की यहाँ की औरतों को बुला करके केंद्र पर लाओ, कुछ पढ़ाई लिखाई होगी और तमाम सारे कार्यक्रम उसमें चलेंगे। अच्छा। तो वो मना कर रही थी जी कि हम कैसे जाएंगे, हमारे हस्बैंड मना करेंगे, बहुत खेती बाती काम है, तो आप थोड़ा समझाओ कि ये लोग आए महिलाएं वहाँ पढ़ाने के लिए। सर यहाँ देहात में इतना ज्यादा गरीबी है कि पढ़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं और इतना काम धंधा है कि वो अपने काम में लगे रहते हैं। थोड़ा तो समय निकाल ही लेंगे ना, 1-1.5 घंटे 2 घंटे दोपहर में जिस समय काम वाम ना हो उनके पास, तब इकट्ठा होकर चली जाए, थोड़ा पढ़ेंगी, कुछ सिलाई सीखेंगी, कुछ कढ़ाई सीखेंगी, इस तरह की तमाम गतिविधियां हैं। नहीं सर, आप लोग बातचीत कर लीजिए, वो तैयार हैं तो हमको कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। प्रधान जी पढ़ी लिखी नहीं है, अगर पढ़ लिख लेंगी तो दस्तखत कर लेंगी, अपने कागज पढ़ लेंगी लोगों। नहीं ठीक है सर, ठीक, हमारी तरफ से मतलब हमारी तरफ से ठीक है, हमारी तरफ से कोई मतलब आप भी थोड़ा सा इनको सबको महिलाओं को कहो कि ये लोग जाएं पढ़ने। ठीक सर, क्योंकि ये महिलाएं डरती है ना कि हमारे आदमी रोकेंगे। नहीं नहीं, क्योंकि पंचायत घर में केंद्र है, यहाँ से थोड़ा दूर भी है। ठीक ठीक, तो उनको परेशानी ना हो। ठीक सर, कहेंगे। अरे लिटरेसी हाउस से कुछ लोग आ रहा है, कह रहे हैं कि पंचायत घर पर कुछ औरतन का पढ़ावे लिखाव बात कर रहे हैं, तो आप क्या बता रहे हो? अरे अभी उम्र में पढ़ लिख के क्या कर रहे? अरे गांव की जनता ने आपको प्रधान बनाया है, कुछ औरतन का पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ उनका, उसके बाद देश और प्रदेश विकास कर रहा है, तो कम से कम आपका फर्ज है कि कुछ औरतन का समाज से जोड़ के उनका पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ कुछ। ठीक है, जो कह रहे हो तुम सहयोग दे रहे हो तो उनसे बता दियो, औरतन का बुलाइबे ले चलबे। संगीता पति के कहने पर साक्षरता अभियान से जुड़ गई। पंचायत घर में ही सतत शिक्षा केंद्र की स्थापना कर दी गई।
पहले तो संगीता ने स्वयं अक्षर ज्ञान प्राप्त किया और फिर एक जिम्मेवार जन प्रतिनिधि के रूप में साक्षरता अभियान को अपने जीवन का एक अनिवार्य कार्य मान लिया। वो सतत शिक्षा केंद्र की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी और गांव की निसहाय निर्धन महिलाओं का मार्गदर्शन भी करने लगी। संगीता देवी जो हमारी एक प्रतिभागी है, जो शुरुआत में एकदम निरक्षर थी, जिसने बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, जो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन हमने पाया कि उस गांव में वो प्रधान के रूप में, गांव की प्रधान थी, घर प्रधान के रूप में कार्यरत थी। उसको मोटिवेट किया, उसको जा कर के समझाया लोगों ने, मैं स्वयं भी गई, और जाने के बाद जो हमने पाया कि वो न केवल मोटिवेट हुई, स्वयं मोटिवेट हुई, वो गांव की और महिलाओं को भी प्रधान होने के नाते अपने साथ जोड़ सकी, गांव में केंद्र पर उन महिलाओं को लाई। पंचायत घर में सतह शिक्षा केंद्र खुला है, 12 बजे से नहीं पढ़ाई चला की हो, हम लोग घर वाले जाते हैं, पूछो हमसे बात की हो, कहा करते हो, चला की हो पढ़ाई, आओ चले जरूर, सब लोग जाइए, सबका बुला रहे हैं। संगीता ग्राम प्रधान तो थी ही, साक्षरता से जुड़ने पर उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का आभास हुआ और धीरे धीरे घूंघट में रहने वाली गृहिणी संगीता एक सच्ची जन प्रतिनिधि बनकर अपने गांव की निर्धन महिलाओं के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने लगी। वो महिलाएं जो साक्षरता अभियान में सक्रिय भाग ले रही थीं, संगीता का साथ दे रही थीं। निर्धन महिलाओं को शिक्षा केंद्र तक लाना कोई आसान काम ना था। संगीता अपने कुछ विश्वसनीय सहकर्मियों को लेकर घर घर जाती और महिलाओं को साक्षरता का महत्व समझाती। वो अपना उदाहरण देती कि कैसे अक्षर ज्ञान प्राप्त करने पर उसने घूंघट से बाहर आकर समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। गांव की महिलाओं को हुनर की बात भी सिखाती और सरकारी नीतियों से होने वाले लाभ से भी अवगत करवाती। गांव की महिलाएं अपनी दिनचर्या से समय न मिलने की मजबूरी का जिक्र करती। उन्हें ये भी लगता कि बड़ी उम्र में कैसे पढ़ा जा सकता है। कुछ महिलाएं तो सीधे सीधे कह देती कि पढ़ने से क्या लाभ। खाना पीना की व्यवस्था करी अपने पेट के लिए, तो हम सबसे पहले तो खाना कर देखा जाते हुए। गांव में घूम घूम कर महिलाओं को प्रेरित करते हुए संगीता को एक ओर तो इन महिलाओं की विवशता का ज्ञान हुआ, तो दूसरी ओर इनकी समस्याओं से जूझने का आत्मबल मिला। तो हम कहाँ पड़ी पाई छोड़ के, खेत मैडम कोई के लवनी करें, कोई के सीला करें, उनके खातिर नहीं जा पाई थी। हम गरीब मनई कहूँ काट बीन के लाई थे, तो लड़का बच्चे ने खवाई थी, हुआ तो आओ तो हरा गोर उनको देखो, हरा गोर उनको देख के नहीं तो अब कहाँ पढ़ पाई बती हूँ बिरमानी, हम ना पढ़ पाई बाई। कुछ औरतें तैयार नहीं हुई, फिर उनसे कहन है, समझान है, घर घर बुलावे गेन है, तो कुछ जाग तैयार भाई, तो कहन कि लड़का हमारे हैं, उनका लड़कन का देखी कि वहाँ पढ़े चली। कुछ औरतें कह रही हैं कि हम हरहन का अपने चारा पानी लेबे, और कुछ तो कहती हैं कि निरावे काटे न जेबे तो खेबे का, और ऐसे हमारे काम कहाँ चली, अब बुढ़ापा में पढ़ लिख के कहाँ करबे। अरे काफी मुश्किल के बाद मतलब कुछ औरतें तैयार हुई हैं पढ़ने लिखने, वो धीरे धीरे जाने लगी। यहाँ सबसे ज्यादा समस्या है कि वो लोग कहती हैं कि यदि हम एक घंटा पढ़ेंगे तो एक घंटे में हमारा इतना रुपए का नुकसान होगा, तो उनको किसी प्रकार कोई आर्थिक सहायता तो मिलती नहीं, तो इसलिए पढ़ने लिखने ज्यादा तैयार नहीं होती। उसके बाद धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखाई शुरू हुई तो कुछ औरतें पढ़ना लिखना जान गई, उनको देखने के बाद कुछ औरतें और ज्यादा तैयार हुई पढ़ने लिखने के लिए। अब तो आपके गाँव में ये सतत शिक्षा केंद्र शुरू हो चुका है, यहाँ पेपर आने लगा है, किताबें हैं, लोग पढ़ने आने लगे हैं, और इसके अलावा चर्चा मंडल है जो इसका एक काम। संगीता राज्य संसाधन केंद्र की निर्देशिका श्रीमती उमा बिष्ट और सतत शिक्षा केंद्र के प्रेरक श्री बजरंग बली के साथ विचार विमर्श करती कि कैसे गांव का साक्षरता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है। पाठ्यक्रम के अलावा कैरम बोर्ड, लूडो, बैडमिंटन आदि खेलों को भी दैनिक कार्यक्रम में शामिल किया गया।
अब आपसे ये निवेदन है कि आप और गांव की वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, आप सब लोग केंद्र पर यहाँ पर आएं और पढ़ना सीखें। उनका समझा रहे हैं, बुला रहे हैं घर घर जाके। तो आप लोगों को जब फुर्सत होती है आप आइए यहाँ पे और ये बहन जी पढ़ाएंगी, और भाई लोगों से भी कहिए, गांव में आदमी लोग भी तो उनके जो पति लोग हैं वो भी तो निरक्षर होंगे। बस इतना ध्यान रखना कि 15 से 35 साल के बीच में हूँ, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुलाना है। आप लोगों के पास किताबें हैं सबके पास? धीरे धीरे गांव की महिलाएं शिक्षा केंद्र आकर उसका लाभ उठाने लगी। राज्य संसाधन केंद्र विशेष पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाकर उपलब्ध करवाता। इन पुस्तकों की विशेषता ये है कि इनमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रदेश के निवासी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तीन अक्षरों से जो है मिलकर के मकान बना हुआ है। लीलावती माँ की लाइन में क्या लिखा हुआ है? मन। संगीता जी आप बताइए दूसरा क्या है? कम। रेशमा आप बताइए? कन। कन। उसमा आप बताइए? काका। गुड़िया आप बताओ? नमक। इस तरह से तीन अक्षर से भी आप लोगों ने देखा कि कितने सारे शब्द बन रहे हैं। आज के समय में सबको तो नहीं मिल रहा है मकान, इच्छा तो सभी की होती है। उसके लिए हमको क्या करना है कि जानकारी प्राप्त करनी है कि मकान कहाँ से मिलेगा हमको। सबसे पहले अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो पहले पढ़ना सीखें, जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाएगी। साक्षरता तो सामाजिक विकास का एक माध्यम है, प्रेरक का काम अक्षर ज्ञान के माध्यम से सामाजिक जागृति का भी था। इसलिए क्लास में महिलाओं को सरकारी नीतियों का ज्ञान भी करवाया जाता। संगीता अक्सर महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में बताती और ये भी बताती कि कैसे उन अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है, आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। पहले हम बिल्कुल अनपढ़ रहन, उसके बाद फिर हमारी दीदी जब सब सर सत्ता निकेतन सब लोग आए तो फिर मालूम हुआ तो प्रधान दीदी कहीं सब लोग गांव की औरतें बोला कहीं चलो पंचायत घर है तो कहीं हुआ क्या करे चली तो कहीं कि तुम अरे चलो कुछ पढ़ाई कार्यक्रम चले वाला तो चलो हमें सब चले दोपहर में बैठ कर गुजारा चले आने तो मोहल्ला वाली औरतन को बोला तो सब लोग आवत गए तो कुछ लोग गाँव गाँव की औरतें सब लोग कहीं हुआ क्या करे चली पढ़े लिखे बुढ़ापा में आधी फिर का कर ले चले आने फिर के बाद तो कुछ लोग आत कुछ लोग नहीं आत फिर हम तो जब से इनके साथ लग गए हैं तब से लगे रहे हैं। तब जब काम निकला तो दीदी कहा लगे कि तुम काम लीलावती काम करी हो तो हम कहना कर पाए ना तो कहा लगे कि करो तो भाई लग लियो तो हम कहने लगभग तो हमका स्कूल में लगा दी तो हम स्कूल में लगा दें तो हम बच्चे खाना बना जाए थे हम खाना बना के 12 बजे 12:30 बजे आ जाते हम तो स्कूल पढ़ लिख लेते हम थोड़ा बहुत सब लोग गांव के औरतें जो कोई आती हैं तो आती हैं बहू आती हैं तो पढ़े लिखे मन लागत तब से अब हम स्कूल में लगे हैं और 500 रुपया महीना हमारे बचत हो जाते हैं 500 रुपया हमका प्रधान जी दिए थे तो अब तक का तो हम लगे हैं और उसके बाद हम 5 एक ध्यान दें उसके बाद फिर अब लगे हैं अब की परीक्षा दें फिर 8वीं का फार्म भर के हम फिर परीक्षा दें सदा शिक्षा केंद्र पर पढ़ रहे हैं 3 किताबें पढ़ने एक कदम और किताबें ले जाते हैं वही घर पर पढ़ी थे टाइम मिल जाए तो आसपास। गांव की महिलाएं जो जो शिक्षा केंद्र की गतिविधियों में भाग लेने लगी उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और संगीता के कार्य की भी सराहना होने लगी। हम पहले पढ़े लिखे नहीं थे, हम यहाँ सदर शिक्षा केंद्र में आकर यहीं पढ़ना लिखना सीखा और सीख के हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हम अपने पास पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ा देते हैं और यहाँ आकर हमने 5वीं कक्षा तक के पढ़ाई करी है और यहाँ आकर हमने सिलाई भी सीखी है। सिलाई सीख के हमें फ़ायदा हुआ है जिससे हम अपने कपड़े भी सी लेते हैं और अपने पास पड़ोस के भी लोगों के कपड़े सी देते हैं जिससे हमें आर्थिक फ़ायदा भी होता है और हम अब 8वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं। राज्य संसाधन केंद्र के कार्यकर्ता भी समय समय पर बीरमपुर जाकर साक्षरता और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के विषय में समझाते। जैसे पहले मेरी आपसे बात हुई थी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती हैं या खिलौने बनाना चाहती हैं मेहंदी लगाना सीखना चाहती हैं या ब्यूटिशियन का कोई कोर्स करना चाहती हैं तो आप पूछिए उनसे, वो भी व्यवस्था हम यहाँ पर कर सकते हैं ना। और भाई लोगों से भी कोई बड़े गिरी है
या टीवी या मोटर मैकेनिक की बात है तो वो भी यहाँ पर चला सकते हैं। तो फिर उसके बाद लिटरेसी हाउस के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ और करना चाहते हैं, कुछ औरतें पढ़ लिख गई हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक सिलाई कढ़ाई का कोर्स शुरू किया, कुछ औरतें यहाँ से सीख करके अपना धंधा शुरू कर दिया है, जिससे उनको लगभग 500 रुपए आमदनी प्रति महीने हो जाती है। प्रदर्शनी में जो यहाँ का बना बनाया सामान गया है उससे लोग काफी प्रभावित हुए हैं। सतत शिक्षा केंद्र में अक्षर ज्ञान के साथ साथ महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था ताकि वो सामाजिक और आर्थिक उन्नति कर सकें। उसमें टोकरी बनाना, बैग आदि बुनना, सिलाई कढ़ाई, मेहंदी रचना और ब्यूटीशियन के काम का प्रशिक्षण भी शामिल था। सुंदरता और श्रृंगार तो महिला का अधिकार होता है। ब्यूटीशियन का कोर्स करने महिलाएं बहुत चाव से आती और अब बहुत सी महिलाओं ने इसे व्यवसाय के रूप में भी अपना लिया है और आसपास के गांव में ब्याह शादियों पर मेकअप करके अच्छा धन कमा रही है। शिक्षा हमने 2 साल पहले शिक्षा केंद्र से प्राप्त की है और उसके बाद सिलाई सेंटर का काम शिक्षा केंद्र में आया और फिर हमें मैंने शिक्षा सिलाई का काम सीखा। फिर पेपर वेपर में काटती थी, जब उसमें सही आने लगा तो फिर अपने कपड़े बनाया। उसके बाद जब अपने सही मुझे लगा कि मैं सही सिल सकती हूँ तो मैंने मतलब आस पड़ोस के कपड़े भी सिलना चालू किया। तो हमारे पति जो हैं ये मतलब मजदूरी करते थे, जब मजदूरी में तो कोई इतना मिलता नहीं है, मगर हमने इनसे कहा तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम अपना ही काम करते हैं। और उसके बाद जब ये हमारा हाथ बटाने लगे तो कुछ मतलब ज़्यादा ही आमदनी आने लगी। मेरी पत्नी ने जब कहीं से सतत शिक्षा से काम सीखा उसके बाद मुझे भी लगा कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो साथ में दोनों लोगों ने मिलकर ये काम मैंने शुरू किया यहाँ। और आज जो है भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, उनकी कृपा है, यही सब सतत शिक्षा केंद्र के नाम से ही सब कुछ हो रहा है यहाँ। मंदवीप आप कब से ये काम सीख रहे हैं? 1 साल पहले से। क्या क्या सी लेते हो? शर्ट सी लेते हैं, सलवार कुर्ता सी लेते हैं, ब्लाउज भी सी लेते हैं और थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। कुछ खर्चा मिलता है? हमें सप्ताह में कम से कम 60-70 रुपए मिल जाते हैं। प्रवेश आप कब से सीख रहे हैं? हमें 5 महीना हो गया काम करते। 5 महीनों में क्या क्या सीखा, क्या क्या सी लेते हो? ये फाट पुरान कपड़ा चैन में लगा लेते हैं और जो काज बटन तुरपाई रुपाई सब कर लेते हैं। कुछ मिलता भी है क्या? महीने में खर्चा पानी मिल जाता है। मैंने यहाँ से सिलाई सीखी, जूट का काम सीखा, फॉर्म बैग सीखी और ब्यूटीशियन का कोर्स किया और मैं ज़्यादातर करके घर पे सिलाई करती हूँ, उसमें मुझे महीने में 200-300 रुपये मिलते हैं और मैं ब्यूटी पार्लर का भी काम करती हूँ, थ्रेडिंग करती हूँ, फेसियल वगैरह कर देती हूँ और मेरे पास मशीनें भी हैं पम्पिंग करने वाली। ब्यूटीशियन का कोर्स सीख गई हैं लड़की, तो औरतें तो कोई कोई शादी में जाती हैं तो पूरा मेकअप करती हैं तो पैसा कमा लगी हैं। सिलाई का काम जो है तो औरतें सीख गई हैं तो कपड़ा बनाती हैं, ब्लाउज है, पेटीकोट है, चड्ढी झबला बना देती हैं तो उनका पैसा चार्ज मिल जाता है। और प्रदर्शनी में जाती हैं तो अपन सामान वहाँ जाके लगाती हैं। हाँ पहले भी मैं आपको बता के गई थी, मेरे कुछ साथी लोग भी आए होंगे जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के बारे में आपसे बात की होगी। संगीता निरंतर इस सोच में रहती कि कैसे वो अपने आसपास की दरिद्रता को दूर करे। वो बार बार राज्य संसाधन केंद्र से सलाह मशवरा करती। ग्रामीणों के आर्थिक विकास के लिए संगीता ने अधिकारियों के मार्गदर्शन से गांव की महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित करके बैंक से ऋण लेकर महिलाओं को अपना रोजगार खोलने में सहायता की। तो इनसे बातचीत कर लियो, समूह बारे में जानकारी कर लियो, लोन लिए थे। आप 10 महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं, 10 लोग मिल करके एक स्वयं सहायता समूह का गठन कर लीजिए। कोई एक स्वयं सहायता समूह को नाम दे दीजिए और नाम देने के बाद सब लोग तय कर लीजिए कि कितना पैसा देंगे, 10 रुपए महीने, 20 रुपए महीने, अधिक से अधिक आप 30 रुपए महीने
जमा कर सकते हैं। निर्बल निस्सहाय परिवार ऋण के पैसे से गाय या भैंस खरीदकर दूध बेचने का काम करने लगे। साक्षरता से सशक्त बीरमपुर की महिलाएं अपनी आर्थिक और सामाजिक उन्नति को किसी चमत्कार से कम नहीं समझती। संगीता अब एक बदली हुई संगीता थी। घूंघट में रहने वाली छुई मुई गृहिणी अब एक सशक्त नेता की भांति काम करती थी और निडर होकर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों से अपने काम के विषय में मिलती थी। उस 12,000 रुपए से और जो आपने जमा किया है उससे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा व्यवसाय करके अपने स्वयं सहायता समूह को चलाते रहेंगे और उसकी एक बैठक होगी। बैठक करके आप ये तय कर लीजिए किसको कितना पैसा किस काम के लिए चाहिए, चाहे आप गाय पालना चाहें, आप भैंस पालना चाहें। इसके बाद आपका 6 महीने बाद बैंक आपका हिसाब किताब देखेगा और आपको स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत फिर लोन मिल जाएगा। 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, अधिकतम 3,00,000 रुपए लोन मिलता है। संगीता अपनी सफलता से और भी संवेदनशील बन गई। कच्चे झोंपड़ों में रहने वाले कई परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उसने घर दिलवाए। सिर के ऊपर पक्की छत, हाथ में हुनर और साक्षरता की शक्ति पाकर बीरमपुर निवासी संगीता की प्रशंसा करते नहीं थकते। संगीता की कार्यशैली का परिणाम महिलाओं को समझ आने लगा। आर्थिक उन्नति का प्रभाव बीरमपुर में दिखने लगा। कलावती और एक और महिला को साक्षर होने पर संगीता ने एक प्राथमिक पाठशाला में मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए खाना बनाने का काम दिलवा दिया। इससे दूसरी महिलाओं को भी पढ़ने की प्रेरणा मिली। करने को इतना कुछ, आसपास की गरीबी संगीता को कचोटती, पर वह हार मानने को तैयार न थी। आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के साथ साथ कला जत्थों का संगठन कर उसने साक्षरता के काम को बखूबी आगे बढ़ाया और गांव की महिलाओं को अपनी कला प्रदर्शन का मंच भी प्रदान किया। आज भी भारत के गांव स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और जानकारी से वंचित हैं। गांव की महिलाओं को परिवार कल्याण संबंधी जानकारी देने के लिए संगीता विशेषज्ञों को निमंत्रित करती। आप लोगों को परिवार अच्छे तरह से रखने के लिए कुछ मूल बातों को जानना जरूरी है कि परिवार को छोटा रखना चाहिए। प्रारंभिक समय में परिवार के लिए कहा जाता था कि 2 या 3 बच्चों का परिवार होना चाहिए, लेकिन अब जैसी ने हमारी जनसंख्या बढ़ गई है इसके आधार पर भारत सरकार ये कह रही है कि अधिकतम 2 बच्चे और अच्छा हो हम 2 हमारे 1 का नारा दिया है भारत सरकार ने। एड्स बहुत भयानक फैली है, इसलिए चौरसिया जी का बुलान है तो सब लोग बहुत ध्यान से सुने। एड्स के बचने के 4 मुख्य उपाय हैं। सबसे पहला है असुरक्षित यौन संबंध। कोई भी पति पत्नी हो चाहे कोई गैर हो, बगैर कंडोम के एक दूसरे से संबंध न रखें। परिवार कल्याण हो या एड्स संबंधी जानकारी, संगीता गांव की महिलाओं को किसी जानकारी से वंचित नहीं रखना चाहती थी। वो समझ चुकी थीं कि बीरमपुर आज तक पिछड़ा हुआ इसीलिए था कि वहां साक्षरता नहीं थी। आज बीरमपुर की साक्षर महिलाएं विकासशील देश के लिए गौरव का विषय हैं और संगीता जैसी स्वयं सेविका बधाई और आभार की पात्र। अगर बाहर से खरीदते हैं तो उस शीशे में जरूर ये देख लें कि HIV निगेटिव लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसा खून चढ़ाने से वो रोगी एड्स से ग्रसित हो जाता है। हमारे ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता गांव विकास 4 गांव के सब लोग के बड़ा सहारा कहीं कॉलोनी बनवा दें, इंदिरा आवास बनवा दें, विधवा पेंशन दिवाइन
और बेवा पेंशन दवाएं और सबका सहायता खूब कर रहे हैं। एक एक बूढ़े हैं बुढ़िया हैं, रोती फिरती फिरती रहा है चौगिरदन। अब देख लियो सबका देते हैं और 6 महीना में 900 रुपया मिलते हैं सब लोग के आराम से। प्रधान जी का अच्छा अच्छा आशीर्वाद दे दिए सब। वृद्धों को पेंशन दिलवाने वाली, विधवाओं के आंसू पोंछने वाली, बीरमपुर गांव के हर परिवार के सुख दुख में शामिल होने वाली श्रीमती संगीता को बीरमपुर वाले एक विशेष आदर की दृष्टि से देखते हैं। और स्वयं श्रीमती संगीता भी वो घूंघट वाली संगीता ग्राम प्रधान ना होकर जिला पंचायत परिषद की सदस्य है और उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास है जो नव निर्माण देखना चाहता है व्यक्ति का, समाज का और देश का। किस तरह से न केवल गांव में परिवर्तन आया है, उन महिलाओं में परिवर्तन आया है, उनके परिवार में, उनके उस समाज में, उनके जीवन में एक नई क्रांति आई है। और विशेष रूप से जो देखने में मिलता है उनके व्यवहार में परिवर्तन है, उनमें एक आत्मविश्वास है, उनके पारिवारिक स्तर पर, उनके आर्थिक स्तर पर भी इस साक्षरता कार्यक्रम का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई बीमार न रहे, कोई अत्याचार न सहे, कोई लाचार न रहे, ऐसा कब होगा? तब जब कोई अनपढ़ न रहे, कोई शिक्षा से वंचित न रहे।